नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजत। मेरा चैनल बैंकिंग विद रजत में मैं आपको स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, फिर एक नया जो रिक्रूटमेंट रेलवे का फिर एक निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कौन कौन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका एक रेलवे एक जोन है, रेलवे रिक्रूटमेंट 2018 में, और एक नया वैकेंसी नॉन टेक्निकल। ये नॉन टेक्निकल लिखा है, नॉन टेक्निकल कैटेगरीज, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है एनटीपीसी का, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन हुआ है 5/4/2018, अप्रैल 5 में पब्लिकेशन हुआ है, और क्लोजिंग होगा देखिए दोस्तों मई 12 को आपका क्लोजिंग होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज इन कौन कौन रेलवे, देखिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। देखिए दोस्तों, क्या क्या वैकेंसी है इसमें, देखिए इसमें देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर वैकेंसी जनरल के लिए 28, एसटी के लिए 8, और एसटी के लिए आपका 4 हो गया, ठीक है। और गुड्स गार्ड भी यहाँ पर है, देखिए गुड्स गार्ड के लिए 18 और एससी के लिए 6, एसटी के लिए आपका 3। अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए आपका है 9 वैकेंसी, जनरल के लिए एससी के लिए कुछ भी नहीं है, एसटी के लिए एक ही वैकेंसी है। देखिए सीनियर क्लर्क के लिए भी आपका 5 वैकेंसी है, टोटल आ गया आपका स्टेशन मास्टर के लिए 55, गुड्स के लिए 37, और अकाउंट टू 11, और सीनियर क्लर्क 10। ये था डेजिनेशन क्या का आपका है, कौन सा पोस्ट में आप जॉब करेंगे, और आप कितना वैकेंसी आपका कितना वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। और देखिए पे स्केल क्या है, देखिए वो 7th पे ही आपका रहेगा, पे मैट्रिक 7th पे रहेगा, और उसके बाद आपको और भी अलाउंसेस जो भी है वगैरह वगैरह मिलेगा। देखिए गुड्स गार्ड आपका सीनियर क्लर्क अकाउंटेंट लेवल 5 और 7th पे, आप मतलब आपको 7th पे ही आपको लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या का, देखिए सीबीटी मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये लिखा है क्या का जनरल के लिए, क्या का सिंपल सो लिखा है। देखिए चलिए हम चलते हैं, एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या चाहिए, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखिए देखिए एज आप को 18 से 33 होना जरूरी, आज 1/7/2018 आपको जुलाई 1 तक आपको 18 से 33 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपको SC/ST के लिए भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जॉब में, सॉरी एज में, और OBC के लिए भी आपको 3 साल मिलेगा, ST/ST के लिए आपको 5 साल मिलेगा रिलैक्सेशन। आपका 38 आपका मैक्सिमम लिमिट है, तो आपका 5 साल या 38, 33 होगा तो आपको 38 हो जाएगा SC/ST के लिए, OBC के लिए आपको 33 मैक्सिमम है तो आपको 36 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर उसके बाद क्या क्या, देखिए एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आपको योग्यता आपको मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। गुड्स गार्ड के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, सीनियर क्लर्क के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। देखिए जो भी है BBA या HR MBA HR, जो भी स्टूडेंट MBA BBA कंप्लीट किया है उसके लिए प्रिफरेंस दोस्तों कैसा है, देखिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए BCom कैंडिडेट के लिए आपको 4 पोस्ट आप एलिजिबल हो, सपोज आप BCom कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपके लिए 4 पोस्ट एलिजिबल है, और अब जो BCom नहीं है वो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड में आपको एलिजिबल स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड एंड सीनियर क्लर्क, ठीक है दोस्तों। लेकिन BCom के लिए आप टोटल 4 पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल होगा। देखिए जो भी BBA और MBA जो भी कैंडिडेट कंप्लीट किए इसको ज़्यादा प्रिफरेंस मिलेगा
यदि सीबीटी में सेम मार्क आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यदि आप सेम मार्क रखेंगे दो स्टूडेंट, तो जो भी बीबीए और एमबीए का स्टूडेंट उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ये था एमबीए बीबीए के लिए। देखो आपको कैसे अप्लाई करना है, देखिए हाउ टू अप्लाई, आपको ऑफिशियल साइट जाना होगा, ठीक है। ऑफिशियल साइट जाकर जो भी कंडीशन दिया है, देखिए लिखा है कि वन एप्लीकेशन, आपको एक ही एप्लीकेशन भरना पड़ेगा टोटल पोस्ट के लिए, ठीक है। और टोटल पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है नीचे, सपोज आपका एप्लीकेशन में कुछ भी भूल हुआ तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। देखिए आपको रिक्रूटमेंट कैसा होगा, एग्जाम वगैरह वगैरह कुछ, देखिए फास्ट आपका होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आएगा देखिए एप्टीट्यूड आएगा, देखिए एप्टीट्यूड एंड डीवी, ठीक है। देखिए आपका सपोज जितना भी पोस्ट है, आपका 8 टाइम, सपोज आपके 90 पोस्ट है, 90 मल्टीप्लाई 8 टोटल 90 टू 8 72 स्टूडेंट, 720 स्टूडेंट आपको वो बुलाएगा, ठीक है। इसे लिखा है कि आपका 8 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एसएम कैटेगरी। देखिए आपको 70% जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको रखना पड़ेगा, और 30% आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में रखना पड़ेगा। ये था रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। देखिए आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्रीलिम एग्जाम होगा, अब जून महीना में आपको देना पड़ेगा, लिखा है कि जून महीना में आपको एग्जाम होगा, ठीक है। और आपका 3 मार्क यही यदि रॉन्ग होगा, आप 1 मार्क आपका माइनस होगा, नेगेटिव होगा, लिखा है 1/3 मार्क कट जाएगा आपको। देखिए सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए जनरल के लिए 50% मार्क चाहिए, ओबीसी और एसिस्ट के लिए आपको 40% मार्क आपको चाहिए। देखिए सीबीटी एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए एग्जाम पैटर्न है आपको 90 मिनट एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप रहेगा। फिर देखिए एग्जाम में क्या क्या आया, देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए क्या क्या मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंट्रेंस रहेगा और जनरल साइंस रहेगा और जनरल आवरेंस और काउंट ऑफ, जो भी आप ग्रुप डी में एग्जाम होगा सेम पैटर्न यहाँ पे भी होगा दोस्तों। तो आपके लिए अच्छा होगा, जो भी ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो इसको भी अप्लाई कर दो, क्योंकि सेम एग्जाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये था टोटल, देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट में लिखा है, ठीक है, आप वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं। और मेडिकल एग्जाम भी आपका होगा जैसे कि ग्रुप डी में हुआ था, देखिए मेडिकल के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, डिस्टेंस आपका आई साइट 6/9, 6/9 विदाउट ग्लासेस, मतलब आपको ग्लास नहीं पहना होगा और आपका आई वर्सन 6/9 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा मेडिकल टेस्ट, देखिए एग्जामिनेशन फी कितना रहेगा, देखिए एग्जामिनेशन फी आपका रहेगा जनरल के लिए 500 और एसएसटी के लिए रहेगा आपका 250, मतलब आपका 250 रहेगा एसएसटी के लिए और जनरल के लिए रहेगा आपका 500। और आप एग्जाम के बाद आपको 250 रिफंड हो जाएगा, जैसे कि ग्रुप डी में बोला था वैसे ही आपका एग्जाम देने के बाद आपको 250 रिफंड हो जाएगा, एसएसटी तो नील रह जाएगा और जनरल को आपको ओनली 250 देना पड़ेगा, आपको 250 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये था टोटल इन्फॉर्मेशन, हॉल टिकट आपको मिल जाएगा आपका वेबसाइट में, ठीक है, आपका ऑनलाइन जो वेबसाइट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, आप चेक करिए क्या क्या वेबसाइट है, आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। और ऊपर भी लिखा है, वेबसाइट लिखा है ऊपर भी,
ये था मेरा जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन अभी नया रिक्रूटमेंट निकला है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया है। दोस्तों मैं सबके रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखने से पहले आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नया नया अच्छे अच्छा वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। फिर आगे जो भी इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जो भी और आएगा मैं सबसे आगे आपको मिलेगा, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, क्योंकि आप सबसे आगे जो भी वीडियो मैं डालूँगा यूट्यूब पे आप सबसे आगे देख पाएंगे। ये था टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।